अरे भाई आज तो हम टीवी देखेंगे जी भर के, सारे नेस्ते मारे सोए पड़े होंगे और हम लेंगे टीवी के मजे। भाई वजीर अहमद हमेशा आप इसी टाइम पे उठा करेंगे। ओहो, क्या हो रहा है ये सुबह सुबह? अरे कुछ नहीं है, वैसे ही टीवी देखने आए थे हम और आप नाजिल हो गए। नाजिल हो गए क्या मतलब? अरे नहीं नहीं खैरन, हम कह रहे थे कि हाजिर हो गए। ओह तुम बड़े नवाब हो ना जो तुम्हारी खिदमत में मैं हाजिर हो गई। जी जी, वैसे इसराइल और आप में सिर्फ एक चीज कॉमन है। क्या? कि आप भी जालिम हो और वो भी जालिम। चलो तो फिर जुल्म की दास्तान शुरू हो जानी चाहिए। तुमने गंदे बर्तन धोए? नहीं। घर की सफाई की? नहीं। मेरे मैले कपड़े धोए? नहीं। लॉन को पानी दिया? नहीं। अरे तो फिर क्या यहाँ बैठे हुए तफरी कर रहे हो हैं? चलो काम पे लग जाओ। अरे खैरन टीवी देखने को आप तफरी कहती हैं? तो फिर क्या है ये? चलो चलो जल्दी उठो, जाओ बर्चे खाने में काम करो। चलो। कोई सुबह ऐसी नहीं हो सकती खैरन कि आप उठे ही ना। ए वजीर अहमद, तुम्हारी जबान गुद्दी से खींच लूंगी अगर कोई बदफाल तुमने मुंह से निकाला है तो। अरे खैरन आप समझी नहीं, हम कह रहे थे कि आप देर से उठे, आराम से उठे। आराम से उठिए, चलो ज्यादा बकवास नहीं करो, काम पे लगो। चलो चलो चलो। हाँ भाई, क्या सुबह सुबह बातें हो रही दोनों मियां बीवी के बीच में? बातें, ऑर्डर चल रहे हैं ऑर्डर, जैसे कोई कंपनी का मालिक चपरासी को ऑर्डर दे रहा हो। अच्छा तो चपरासी, चलो उठो किचन में जाओ, चमकाओ किचन से। चलो। अरे अरे एक मिनट खैर, इसको जरा मेरा काम तो कर लेने दो, वजीर तुमसे काम है। अरे आपका हुक्म सर आंखों पर नोशी, बताइए। चलो बकवास ज्यादा ना करना। अच्छा ये किस खुशी में तुम्हारा काम करेगा? अरे यार छोटा सा काम है, कर लेने दो, जल्दी क्यों हो? अरे बता भी दीजिए नौशी जी, दुनिया के तमाम काम छोड़ देंगे हम। हाय वजीर, तुम इसी मामले में ना बहुत अच्छे लगते हो। एक मिनट, ये है 10 रुपए, देखो खाना मत था, ये 10 रुपए ले जाओ और मेरे लिए आज का अखबार ले आओ, जल्दी से जाओ जाओ। बाहर जाने का बहाना मिल गया, अभी लाते हैं। ए वजीर, ये अब नहीं रुकने वाला, यही तो फर्क है तुम में और मुझ में। चल दबा यहाँ से, जादूगरनी कहीं की। आइए वापस। अरे क्या हुआ बबन भैया, किन सोचो में तुम हो? अरे यार प्यारे मैं सोच रहा हूँ हम लोग कब तक ऐसी जिंदगी गुजारेंगे यार। हमेशा इस जिंदगी से अच्छा और कहा हो सकता है जिसमें सिर्फ खाते रहो सोते रहो अपनी मर्जी से जो करना है करते रहो। हाँ जलील होते रहो और सोते रहो। प्यारे तुझे नहीं लगता कि हम दोनों का अलग अलग कमरा होना चाहिए? हाँ दिल तो चाहता है लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा? शादी, प्यारे शादी करनी होगी हमें। अरे हमें कौन अपनी लड़की देगा, ऐसा अम्मा कहती है। अरे यार सीरियस हो जा, हम दोनों में से किसी एक को शादी करनी पड़ेगी कि ऐसा ना हो कि हम दोनों की उम्र इसी तरह बीतती जाए। बात तो ठीक कर रहे हो, ऐसा करते हैं नौसी से चल के मशवरा करते हैं। चलो। अबे मशवरा नहीं करना, शादी करनी है प्यारे। शादी नौसी से? हाँ क्यों, उसमें क्या कमी है? हाँ बुराई तो कोई नहीं है, एक काम करते हैं उसे चल के बोलते हैं कि हम में से किसी एक से शादी कर ले। हाँ उससे बात तो कर दे, लेकिन यार जब भी उससे बात करो ना वो जलील करके वापस भेज देती है। हाँ लेकिन आज नहीं करेगी हम जानते हैं, क्योंकि उसने भी कभी ना कभी शादी तो करनी है ना। हाँ बात तो तू ठीक कर रहा है प्यारे। चलिए 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 चलिए। अरे चलिए, अरे चलिए चलिए। हाँ चलिए चलिए। मिसमी मिसमी, अल्लाह अकबर, क्यों कोशिश करते हैं आप, इतना घटिया जोक मारा आपने, शर्म आनी चाहिए आपको। हम तुझसे मजाक कर रहे तो हमारा मजाक बुरा लगता है। एक खूबसूरत अमेरिकन लड़के को एक हसीन पाकिस्तानी लड़की चाहिए। अरे वाह नौशी, वो तो मैं हुई। लोग तो ये कहते हैं 5 फुट 10 इंच। हाँ हाँ उतना ही है। कम गो, ये कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और लड़की को बहुत अच्छा सा अरबी और चाइनीज खाना बनाने आना चाहिए। हाय नौशी, अब मैं क्या क्या चीजें संभालू, यहाँ मुझे पाकिस्तानी खाना बनाने नहीं आता और यहाँ अरबी और चाइनीज कहाँ से बनाऊंगी? नौशी क्या मार गए? बहुत खुशी की बात है, क्यों आए हो? नौशी आप अकेले में कितनी देर बात करेंगे, हमसे बात कीजिए आपको मजा आएगा। मैं अकेले में अपने आप से बड़ी काम की बातें कर रही हूँ, तुम दोनों आ गए हो तो काम खत्म, पैसा हजम वाली बात हो जाएगी। नौशी हम आपसे बहुत संजीदा बात करने आए। संजीदा बात? तुम दोनों कॉमेडी करते अच्छे लगते हो। अरे नहीं नहीं हम कॉमेडी कर करके थक गए, आज हम वाकई एक संजीदा बात करने आए हैं। अच्छा बोलो फिर। नौशी आज आप हम दोनों में से किसी एक से शादी कर लो प्लीज। अभी तो बोला था संजीदा बात करनी, आ गए ना वही हरकत हो। अरे नहीं नहीं ये संजीदा बात थी, आपने उसका मजाक उड़ा दिया है। बात सुनो, तुम दोनों संजीदगी से पिटने आए हो? नौशी आज हम फैसला करके आए कि आज हम यहाँ से जाने से पहले आपसे हाँ करवा के जाएंगे, वरना। वरना क्या बे? वरना बस अभी चले जाएंगे, बाद में फिर आ जाएंगे। अच्छा सुनो, मैंने भी वैसे शादी का फैसला तो कर लिया, मगर एक मसला है।
नुशी आप हमें बताएं, हम आपको मसाज हर कर देंगे। नुशी मेरे होने वाले दूल्हे को ना चाइनीज और अरबी खाना पसंद है और मुझे तो बनाने भी नहीं आता। अरे किसने कहा आपको हमें सब कुछ पसंद है, हमें तो दाल चावल सबसे ज्यादा पसंद है। ओए मैं तेरी नहीं अपने होने वाले दूल्हे की बात कर रही हूँ प्यारे। लेकिन नुशी मुझे तो सिर्फ बन कबाब पसंद है नुशी। ओहो पागलो हर बात पे अपने आप को क्यों ले आते हो, मेरा दूल्हा तुम दोनों में से नहीं है, वो तो कोई और ही है। नासे खून के नदियां बह जाएंगी बता रहे हैं। अबे ओ सर्दी का मौसम आता है तो नाक बहने लग जाती, बड़ा आया खून की नदियां बगाएगा, चल भाग यहां से। कह रहा था ना तुझे जब भी इससे कोई बात करनी हो ना जलील करके वापस भेज देती है, खुश हो गया तुम नुशी अल्लाह हाफिज। चल जा। अरे ये क्या इश्तहार है, 5 दिन एक दिन में अरबी और चाइनीज खाना बनाना सीखे, अरे वाह नौशी तो ऊपर से आया। नंबर भी लिखा है 03 डायल कर। एक ऐसे लड़की थी जिसे हम प्यार करते थे, एक ऐसी नौशी थी खुदा गरक करे खैरन तुहार अब्बा को, काका ख्वाब दिखाए थे शादी से पहले, काका झूठ बोले थे, अरे अपनी बेगम की जवानी की तस्वीर दिखा के हमरा ये हाल कर दिया। अरे ये दूसरा केस है कि सास की तस्वीर दिखा के लूटा गया, पहला केस उमर शरीफ भाई के डीरामे में था, हमका याद है। अरे आ रहे हैं भाई, कौन है? अल्लाह मियां, अरे कहीं लड़की तो नहीं भेजी हमरे लिए? आ रहे हैं। हेलो। थैंक यू। थैंक यू किस बात का? अरे कब से हम ये गाना गाना चाहते थे, जब भी कोई लड़की देखूं हमरा दिल दीवाना बोले औले औले औले। अरे भागो भागो भागो। अरे कहां भागे, अरे हमरा तो बैग भी तैयार नहीं है। आपने तो कहा था कि ओले ओले। माशाल्लाह शक्ल कितनी खूबसूरत है और जो, चलो कोई बात नहीं, ये 100% घर में आएगी। कितनी भोली हैं आप, अरे भोली सी सूरत। आप शक्ल से ही मक्कार हैं। अरे मक्कार नहीं बेकार है। और आप कौन हैं? मैं तितली। और हम फूल। देखो तितली अपने फूल के पास आ गई। आप फूल नहीं फूल हैं। खैर मुझे अंदर जाना है। अरे हम भी तो यही चाहते हैं, मगर एक मिनट हम जरा उस जल्लाद हमारा मतलब खैरन को बेहोश करके आते हैं। खैरन कौन है? एक कदीम कौम की एक जालिम औरत, आपसे मुलाकात का सारा मजा किरकिरा हो जाएगा अगर वो होश में रही तो। एक्सक्यूज मी मैं आपसे मिलने नहीं आई हूँ, मुझे नौशी ने बुलाया। अरे वाह दो दो हसीनाएं एक साथ मजा आ जाएगा। अरे साईं हम खादिम हैं, आइए ना। खादिम व्हाट? खादिम वाह, खादिम मतलब अगर आपकी टांगों में दर्द होगा तो टांगे दबाएंगे, हाथों में दर्द होगा हाथ दबाएंगे, कमर में दर्द होगा कमर दबाएंगे, भूख लगेगी। एक्सक्यूज मी मुझे अंदर लेके चलेंगे आप? आइए आइए। लड़की ब्यूटीफुल कर गई चूल। फॉलो मी। नौशी जी देखिए हम आपके लिए क्या लाए हैं। अरे वाह भाई वजीर तेरी किस्मत, तुझे भी सिर्फ लड़कियां ही मिलती हैं। अरे नहीं लड़के भी मिलते हैं मगर आज का हमारा दिन अच्छा रहा। अच्छा कौन है ये? ये आपसे मिलने आई हैं और अपना नाम तितली बताती है। तितली मतलब तुम शेफ हो? जी मैं ही शेफ हूँ। अरे नहीं नहीं ये तितली है, बटर स्कॉच। बटर स्कॉच नहीं बटरफ्लाई होता है और इसका नाम तितली है। तो फिर शेफ का इनके अब्बा हुए? वेट नौशी मैं समझाती हूँ, सुनो भाई। भाई भाई से बात शुरू नहीं होगी, आपके और हमारे दरमियान ये भाई वाले अल्फाज अच्छे नहीं लगते। अच्छा वजीर मेरा नाम तितली है और मैं एक शेफ, शेफ का मतलब होता है अच्छे अच्छे खाने बनाने वाली। तो खाना तो हम भी बना लेते हैं, तो क्या हम भी शेफ हुए? एक मिनट, अबे यार तू ना सिर्फ बावर्ची है, आलू गोश्त पालक गोश्त दाल गोश्त सिर्फ यही बनाने आता है तुझे, समझा? चुप करेगा ना अपनी बकवास बंद करके बैठेगा तो मैं इसी तरह काम की बात करूंगी, अब चुप है। आप कर लीजिए बात, हम बाद में कर लेंगे बात। अच्छा तो तितली तुम ना आज ही के आज मुझे अच्छे अच्छे चाइनीज और अरबी खाने सिखा दो प्लीज। इसमें कोई मसला ही नहीं है यार, मैं तुम्हें एक दो चाइनीज डिशेस बता दूंगी और दो चार अरबी खाने, ठीक है? हाँ तो ठीक है फिर किचन में चले। चले चले। मैं और तितली जाएंगे किचन में, तुम इधर रुक। ये किचन में जा रही है? हाँ लेकिन तू इधर ही रहे। चलो तितली मैं तुम्हें किचन दिखाती हूँ, चलो चलो।
अरे वजीर अहमद, इस तितली को घर से उड़ने नहीं देना। अरे ये जहां भी उड़ेगी ऐसे पीछे तितली को पकड़ के ही रहेंगे। तितली भरी है मेरे अंग अंग में। मसालों का जानना जरूरी है। ये है सौंफ, ये है गरम मसाला और ये है नमक। हाँ हाँ मुझे पता है। चलो वेरी गुड। तो सबसे पहले हम बनाते हैं चिकन फ्राइड राइस। चिकन का है? अब वो चिकन नहीं थी, असल में बहुत महंगी है ना, तो मैं काम करूँ चिकन फ्राइड राइस बगैर चिकन के सिखा दो। ये तो वही बात हुई, बिना पानी के नहा लो। तो क्या चाइनीज से चिकन ही खाते हैं? चाइनीज बीफ भी खाते हैं। ओहो, गोश्त खोरे कहिए। चाइनीज तो हर चीज खा लेते हैं। खैर नूडल्स हैं, नूडल्स लेकर आओ। मैं तुम्हें अभी देती हूँ, एक मिनट। अब मैं तुम्हें नूडल्स बताऊंगी चाउमीन कैसे बनाते हैं, ठीक है? ए, ए, ये मेरे बावर्ची खाने में क्या म्याऊं म्याऊं चल रही है भाई? तुम्हारा किचन? खैर किचन उसका होता है जो खाना बनाता है, और तुम्हें तो खाना खाने के अलावा कुछ नहीं आता। ये मेरे सवाल का जवाब है। कौन है ये? मैं तितली। ओ तितली, तभी वो तीन भंवरे बाहर भंगड़े डाल रहे हैं। तीन? मैंने तो एक को ही देखा था। दो और भी है, आ जाएंगे। और खैरन तुम चलो निकलो यहाँ से, मैं इस किचन में ना चाइनीज बनाना सीख रही हूँ, मुझे कोई देसी शक्ल नहीं चाहिए। चलो जाओ। तू बड़ी अमेरिकन लगती है ना, देसी शक्ल वाली। अरे हमारी नोशी अमेरिकन से ज्यादा अच्छी है। हाँ बड़ी अच्छी है। सुन लो खैरन, जलो मत। अरे तू चुप कर भाई, मुझे भी ना चाइनीज खाना पकाना सिखाओ। फ्री में नहीं सीखते, पैसे लगते हैं इसके। जाओ पैसे लाओ और तैयार हो के आना। पैसे वैसे नहीं है मेरे पास, मैं अभी तैयार होके आती हूँ। अच्छा मुझे जरूर सिखाना ये क्या है। आप जाएं, हमें काम करना। अच्छा मैं आ रही हूँ तैयार। अच्छा है बला टली, चलो तुम मुझे सिखा दो। अरे कमबख्तो, तुम लोग बस नाचते ही रहना। अच्छा अरे अम्मा क्या रिपोर्ट है? अरे वो खाना पकाने वाली है भाई। अरे भाई हमें भी दिखा दो, अपा तो उसके हुस्न के कसीदे पढ़ रहे हैं। ठीक है मैं तैयार होके जा रही हूँ, वो चाइनीज खाना पकाना सिखाएगी, उसके बाद अरबी खाना पकाना सिखाएगी। अरे हमें भी ले चलिए, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। तुम तैयार हो जाओ, मगर याद रखना नहीं करेंगे, कोई हरकत नहीं करेंगे। ठीक है तो फिर चलो आओ। समझ नहीं आई बात, पहले चाइनीज खाना फिर अरबी खाना। मेरे दिमाग में आइडिया है, तू बस चल मेरे साथ। चलिए। अरे बात इतली, इसमें से तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, तो क्या इसका जायका भी उतना अच्छा होगा? अरे बदमजा खाने से खुशबू आ ही नहीं सकती। अरे बहुत जबरदस्त, ये तो आ गया, अब कुछ और से खा दो। अब अंडे हैं तुम्हारे घर पर? हाँ हाँ है। अंडे लेकर आओ। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि एग फ्राइड राइस कैसे बनाते हैं, ठीक है? चलो ये तो बहुत अच्छा हो गया, चिकन ना सही उसका अंडा ही सही। अरे ये क्या बनकर आ गए? अरे इसने कहा था ना कि तुम तैयार हो के आओ, चाइनीज बन के आओ, तो मैं तुम्हें खाना पकाना सिखाऊंगी। ओए तुम जरा पागल हो, ये कार्टून बनकर क्यों आ गए हो? इसने कहा था ना कि भाई तैयार हो के आओ, तो मैं तैयार हो के आ गई, मैं चिन ली और हम सुन ले। अरे बाबा मैंने आपको बताया था कि बिना पैसों से कुछ नहीं होता, जाए पहले टीचर के लिए पैसे लेकर आए, फिर मैं आपको कुछ सिखाऊंगी। अरे खैर सॉरी, चुन ली पैसे निकालिए, हमारे भी और अपने भी। सुन ली, मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है, तुम मुझे बस सिखाओ खाना बनाना, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। हाँ तो फिर ठीक है, जाओ दूर दूर से जाके देखो, क्योंकि पैसों के बगैर कुछ नहीं होता। चलो चलो निकलो, कटो। है? दूर से करो की सुन ली, तुम्हारे पास दूरबीन है? चुन ली नहीं है। अच्छा तुम्हें तो मैं बाद में पूछूंगी, आओ। छोड़ नहीं पागल है। इतनी तैयारी की मैंने, सब फजूल हो गई बिल्कुल। अरे देखिए हमारे कपड़े भी कितने अजीब हैं और कितने फंसे हुए हैं हम इनमें।
तुम तो बहुत ही मनहूस हो, जिस काम में हाथ डालते हो वो होता ही नहीं। अरे इस केस में हमारा कसूर नहीं है खैरन, ये आपका कंगलापन है जो आपके और तितली के आड़े आ गया, और ना हम तो उस तितली को घेर ही ले। तुम बस तितलियां घेरते रहना धागे बांध के, अच्छा कमबख्त मनहूस, कुछ नहीं होता तुमसे, चलो दफा हो यहां से। अरे जाते हैं, ऐसे हमारा भी सांस रुक रहा है इन कपड़ों में, पता नहीं ये चपटे कैसे पहन लेते हैं। चल जाओ बदलो ये कपड़े। अरे जाते चलो। दफाओ कमबख्त नहीं तो। अरे यार तो मजा ही आ गया, तुमने मुझे एग फ्राइड राइस से सिखा दिए, अब जल्दी से कुछ और भी सिखा दो। अब मैं तुम्हें सिखाऊंगी अरबी मंदी बनाना। अरबी मंदी? लेकिन उसमें तो चिकन डलती है ना। डलती तो है लेकिन अब चिकन नहीं है तो क्या करें? तुम सादे चावल बनाना सीख जाओ, उसके बाद चिकन डाल देना। अरे वाह आधी रेसिपी, ठीक है मैं तुम्हें पैसे भी आधे ही दूंगी। ओ हेलो, कोई पैसे आधे नहीं मिलेंगे, तुम्हारे घर में चिकन नहीं है ना, तुम सीख जाना खुद ही। अच्छा अच्छा ठीक है हम देख लेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाजा सऊदी अरब ने ट्रेन खराब दुनिया डाइवो एक्सप्रेस मद्रास उठे खड़ा तो कराची रीचा तो। अब कौन हो तुम लोग? हाजा बुर्जुल खलीफा, हाजा डेजर्ट सफारी, हाजा रेस्टोरेंट फ्री डिलीवरी है। बुर्ज खलीफा ये तो किसी बिल्डिंग का नाम है। हाजा मालिकुल बुर्जुल खलीफा, दो कमरे का फ्लैटून। ओ ये बोल रहा है कि ये बुर्जुल खलीफा का मालिक है, लेकिन तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हाजा खुशबूतुल मंदी। लेकिन मंदी तो अभी तक बनी नहीं है। इलाही एडवांस में खुशबूतुल। अच्छा अच्छा ठीक है, मगर तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? वहाँ नहीं मिलती क्या मंदी? हाजा दोनों रिजाल शादी। अरे तितली ये दोनों ना शादी करने आए, अगर हम दोनों से शादी करें ना तो हम भी दुबई में सेटल हो जाएंगे। वाकई ये हमसे शादी करेंगे? हाजा शादी तुन कोरमा तुन बिरयानी तुन दो चार बच्चा तुन 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 तनक तनक तुन तनक तनक तुन तनक तनक तुन डा डा डा। अच्छा ठीक है ये तो बताओ कि मुझसे शादी कौन करेगा? हाजा शादी तितली तुन, हाजा शादी निशी तुन। ये तो हमारे नाम भी जानते हैं। ए पवन भैया ये क्या बात हुई, तुमने नया रख लिया हमें पुराना दे रहे हो? अरे यार तू भी किसी हाल में खुश नहीं है, तेरा दिमाग खराब है क्या? बब्बन प्यारे तुम दोनों। अबे बब्बन प्यारे कहाँ से आ गए, अरबी हम दोनों। ए ये उतरा हुआ तुम्हारा भी तो उतरा है। नहीं 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 हम अरबी हैं। हाँ हम अरबी हैं, देखो हमारी पांच उंगलियां तो। ए गधे वहाँ भी सबकी पांच उंगलियां होती है। ओ फिर हम बब्बन प्यारे, बब्बन प्यारे अब तुम दोनों मार खाने के लिए। अरे वाह दो दो हसीनाएं एक साथ, का मजा आएगा। लाइन क्या है? दो हसीनाएं हाजा हाजा किस्ता भरा तुन खरीदा तुन जल्द कमिंग सून तुन हाजा।